हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑप्शंस। और मैं आपका दोस्त राजीव माथुर, और मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता हूँ सस्ती और बेहतर प्रॉपर्टी, चाहे वो लोन के लिए हो, चाहे वो किराए के लिए हो, चाहे वो खरीदी के लिए हो, चाहे वो हैवी डिपॉजिट के लिए हो, चाहे वो चॉल हो, चाहे वो वन रूम किचन, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, बंगलो, दुकान, जो भी है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सब लोग उसको खरीद सकें या फिर अफोर्ड कर सकें। सस्ती सस्ती कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो कृपा करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सॉरी, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियोस आया करेंगे तो उसकी जानकारी आपको मिल जाया करेगी, तो आप वो वीडियो देख सकेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दा यह है कि आज का जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ये फ्लैट दिखाने जा रहा हूँ, ये है 1 BHK। बहुत अच्छे से, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, मतलब खाली सा ही फ्लैट है। देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कहाँ पर कैसा है, कितना एरिया है और कौन सा सामान कहाँ का कैसे कैसे रखना है, ठीक है। तो पहले ये वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बारे में आपकी सारी नॉलेज दे देता हूँ, आसपास की बिल्डिंग की, फ्लोर की, लिफ्ट की, घर की सारी जानकारी देता हूँ, कितना एरिया सारी। तो पहले आप ये फ्लैट देखिए, फिर उसके बाद बताता हूँ। चलिए देखते हैं फ्लैट। ये 1 BHK है और ये इसकी लोकेशन है। आप देखो, ये ऊपर से देखो, ये सारा ऐसा है, ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं। और ये रोड है, इधर देख रहे हैं, ये रोड है, मेट्रो का है, वहाँ लोग कंस्ट्रक्शन ठीक करते हैं। और ये फ्लोरिंग, और ये वाला फ्लैट है, तो ये फ्लोरिंग है इसकी, नीट एंड क्लीन है पूरा। इसकी वॉल्स वगैरह, कर्टेन, ये सारा आप देखेंगे ना, सीलिंग वगैरह। तो अभी तो इसमें कोई रह रहा है, बट वो खाली कर देंगे मुस्लिम में। बट ये घर जो है उसका सीना है, कोई उनका है, ओपन सोसाइटी, कोई भी रह सकता है कोई भी। और ये आपका विंडो है, ये बाहर की लोकेशन देखिए ऐसी है, ये टावर है, वेंटिलेशन ऊपर बहुत अच्छा होता है, ये टावर हो गया। तो ये तो अभी थोड़ा ही सामान है जो रह रहे हैं, उन्होंने थोड़े ही सामान लगाया हुआ है, अदरवाइज यहाँ पे पूरा प्रॉपर सामान आ सकता है, सोफे वगैरह लगा सकते हैं। हाँ, ये इसमें सोफ़ा वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पे अपना टीवी वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये कर्टेन हो गया। और इधर आते हैं तो ये देखिए, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये इंडियन टॉयलेट है, ये भी नीट एंड क्लीन है, कोई गंदा नहीं। और ये इधर ये बाथरूम है, ये देखिए। और ये आपका वॉश बेसिन हो गया यहाँ पे, ये पूरा। और ये मैं हूँ। और ये इधर आते तो ये किचन है, किचन भी एक अच्छा स्पेशियस है, बहुत छोटा नहीं है, मतलब ठीक है, स्लैब दिया है, नीचे रख सकते हैं, इधर आप या तो फ्रिज रख सकते हैं या इधर बर्तनों का रैक लगा सकते हैं, ये सिंक है तो इधर लगा सकते हैं बर्तनों का रैक, और भी या ये फ्रिज यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और ये पानी का टैंक है, सिर्फ प्रिकॉशन के लिए रखते हैं, ताकि ऐसे हर बिल्डिंग में पानी का होता है, ऊपर बड़ी टंकी होती है हर किसी के लिए। ये बेडरूम है, इन्होंने कुछ नहीं लगाया हुआ, बट यहाँ पे आप अलमीरा भी रख सकते हैं, बेड भी लगा सकते हैं। ये इधर सामान रखने की जगह है, वो विंडो है, ठीक है, ये विंडो है, देख रहे हो आप, बंद है अभी। तो यहाँ पर AC लगा सकते हैं, स्प्लिट AC या विंडो AC। ये बेडरूम हो गया, पूरा अच्छा स्पेस देख लीजिए। ओके, ये यहाँ निकले तो ये किचन है, वेंटिलेशन के लिए विंडो है, इधर ये टॉयलेट हो गया, ये बाथरूम हो गया, और ये हॉल में आ गए हम लोग, ये वेंटिलेशन के लिए पूरा है, पूरा रोड है ये इधर, ठीक है। बाकी मैं समझाता हूँ वीडियो में, ये देखिए ये स्टेयर्स हैं इधर, कचरा फेंकने के लिए देखो यूज़ में लिखा हुआ है, वहाँ से कचरा फेंक सकते हैं। थैंक यू।
देखा आपने ये 1 BHK। अच्छा पहले मैं एरिया बता देता हूँ, एरिया पड़ता है मलाड वेस्ट में, एकता नगर बोलते हैं इसको, ठीक है। मलाड वेस्ट में एकता नगर स्टेशन से कितना दूर है, 15 से 20 मिनट का रास्ता, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग में मतलब आजू बाजू क्या मिलता है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, शॉप्स वगैरह हैं, मॉल्स भी हैं, बस मिल जाती है, ऑटो मिल जाती है, ओला उबर आ जाती है कहीं पर भी आज की डेट में, ठीक है। बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग है ए बी सी डी ई एस टाइप के टावर्स बने हुए हैं, तो बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ी जगह है, उसके अंदर ये बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स में ये फ्लैट है, ठीक है। तो बिल्डिंग के अंदर आपके ये जो पार्किंग का एरिया है, टू व्हीलर की पार्किंग है, तो वो बिल्डिंग के अंदर है, ओपन है, कहीं पर भी कोई खड़ी कर सकता है अपनी टू व्हीलर, चाहे वो स्कूटर हो चाहे बाइक हो, कुछ भी खड़ी कर सकता है वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर फोर व्हीलर के लिए क्या है कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्राइवेट है, जिसने फ्लैट लिया है उसी ने प्राइवेट अपने खरीदी हुई है पार्किंग, तो वो अपना फोर व्हीलर वहाँ खड़ा करता है। अगर प्राइवेट पार्किंग नहीं है तो ओपन पार्किंग भी है, तो आप वहाँ पर भी खड़ी कर सकते हो अपनी कार, ठीक है। अब आते हैं बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग के अंदर आप जैसे घुसते हो तो वहाँ पे वॉचमैन मिलता है, CCTV लगा हुआ है, कैमरा वगैरह सारा लगा हुआ है, और स्क्रीन भी लगी हुई है, 24/7 वहाँ पे वॉचमैन रहते हैं। वहाँ पे इंटरकॉम भी है, कोई भी अगर आपसे मिलने के लिए आता है सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब चीज़ें आपको पूछने के लिए वहाँ पे वॉचमैन बैठा हुआ है, वॉचमैन आपसे पूछेगा कहाँ जाना है, कौन से फ्लैट में जाना है, वहाँ इंटरकॉल करके वो पूछता है कि आपसे मिलने के लिए ये आया है, या बात कराता है। जब तक आप ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे, जब तक आप नहीं बोलेंगे कि हाँ ठीक है भेज दो, तब तक वॉचमैन जाने नहीं देगा, ठीक है। ये फैसिलिटीज उसमें दो है, कैमरा भी है, वॉचमैन भी है, ठीक है। अब आते हैं, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं और एक फ्लोर पे 2 लिफ्ट हैं, मतलब 2 लिफ्ट सभी के लिए, तो दोनों चलती रहती हैं, अगर एक खराब है तो एक तो चलेगी चलेगी, नहीं तो दोनों चलती रहती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, एक फ्लोर पे 4 ही फ्लैट है, तो ज़्यादा हॉच पॉच नहीं है, ठीक है। स्टेयर्स भी आपको मैंने दिखाई दिया अच्छे से है। वहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर कचरे वाला नहीं आता है तो वहाँ पे चाहे 15 फ्लोर पे हो चाहे जो भी है, वहाँ पे एक ना बॉक्स टाइप बना हुआ है, उसको आप ऐसे खोलोगे, कचरा आप उसमें डालो, वो डायरेक्ट होता 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 ना अपने आप वो पहुँच जाता है कचरे की जगह पे, तो ऐसा ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, तो ये फैसिलिटी है। अच्छा अब बताता हूँ कि फ्लैट का एरिया कितना है, फ्लैट का एरिया है 305 कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया नहीं, कारपेट एरिया। कारपेट एरिया वो होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, बाहर से नहीं, अपना विंडो के बाहर से वो बिल्डअप होता है, अंदर ये होता है जो हम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कारपेट एरिया, ठीक है। तो कारपेट एरिया है 305 स्क्वायर फीट, 1 BHK है, यहाँ पे आराम से 4 से 5 6 लोग भी रहते हैं, अच्छे अच्छे मतलब 6 लोग भी रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, 2 बच्चे, तो आराम से रह सकते हैं, इतना है। किचन आपने देखा अच्छा सा स्पेस है उसमें, टॉयलेट बाथरूम अच्छे से बना हुआ है, हॉल ना तो बहुत बड़ा है ना छोटा है, मतलब अच्छा है हॉल। हॉल में आप अपना बेड भी डाल सकते हो, अपना सोफा वगैरह भी डाल सकते हो, टेबल भी लगा सकते हो, बस ये थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा जो औरतों के पास होता है सजाने का मामला, और किसी के पास दिमाग नहीं होता है घर में कहाँ कौन सी चीज़ कैसे रखनी है, सिर्फ औरतों के पास ही होते हैं ये दिमाग, तो बहुत अच्छे से आप उसको रख सकते हो। बेडरूम में भी अच्छा जगह है, वहाँ पे आपका बेड आ जाता है, अलमीरा भी आ सकती है, वहाँ पे आप सोफा भी लगा सकते हो, तो बेडरूम भी है जो है आप बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, इसमें शायद थोड़ा कुछ वो सामान वामान रखा है जो है, तो सामान रखने के लिए बहुत जगह है इसमें, तो टॉयलेट बाथरूम बहुत अच्छे से बनाया है, अलग अलग कंबाइन नहीं है कि भाई अगर एक आदमी टॉयलेट में तो दूसरा बाहर वेट ही कर रहा, नहीं नहाने वाले को वेट करना पड़ता है, नहीं अलग अलग ही सबसे बेस्ट होता है बॉस, कोई नहाने घुसा तो एटलीस्ट टॉयलेट यूज तो कर सकता है कोई, अब कोई टॉयलेट गया है तो पता चल रहा नहाने वाला बाहर बैठा हुआ, तो ये इसलिए अलग अलग है, ठीक है। अब आ जाता हूँ रेंट पे, देखो यार रेंट में इसलिए नहीं बताता हूँ, हर वीडियो में काफ़ी लोग बोलते हैं आप रेंट नहीं बताते, इसलिए आई डोंट लाइक योर वीडियोस, तो यार देखो भाई बुरा मत मानो, मैं इसलिए नहीं डालता हूँ कि हर फ्लैट का अलग अलग रेट होता है, नहीं बता सकता कि वहाँ पे क्या चल रहा है, अलग अलग रेट क्यों होता है इसका भी मैं रीज़न बताता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे भाई अलग कैसे होता है, अलग इसलिए होता है कि अगर बिल्डर ने जैसे एज इट इज़ बना के दिया हुआ है फ्लैट, उसका रेंट अलग है, खरीदने जाओगे तो उसका खरीद का भाव अलग है, और अगर किसी ने घर खरीदा हुआ है अंदर से इंटीरियर बनाया हुआ अच्छे से, फिर और भी वीडियोस देखेंगे 1 BHK के ना यहाँ पे इस बिल्डिंग के, तो आपको देख लेना उसमें आपको पता चल जाएगा, तो अगर बिल्डर एज इट इज़ दे रहा है तो थोड़ा सा कम रेंट होता है, कम आपको उसमें खरीदी में भी थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन अगर किसी ने इंटीरियर किया हुआ है तो भाई रेंट भी ज़्यादा देना पड़ता है, प्लस इंटीरियर जिसने किया तो वो आपको खरीदी में भी थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ठीक है। अब क्या भाव है क्या नहीं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप वहाँ कॉल कर दीजिए, वो लोग आपको बता देंगे क्या रेट चल रहा है रेंट के लिए और खरीदी के लिए। अच्छा आप यहाँ पे कौन कौन रह सकता है, मैक्सिमम ओपन सोसाइटी है, कोई भी रह सकता है, बैचलर लड़के भी रह सकते हैं, बैचलर लड़कियाँ भी रह सकते हैं, कपल भी रह सकते हैं, मैरिड लोग भी रह सकते हैं, फैमिली भी रह सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। तो किसी किसी सोसाइटी में होता है कि बैचलर लड़कों को अलाउड नहीं होता है, फिल्मी लोग जो है जैसे मुंबई में उनको अलाउड नहीं होता है, बहुत कम सोसाइटी में होता है, तो वो रह सकते हैं। तो बैचलर लड़के बैचलर लड़कियाँ जॉब करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके जो ऑफिस से एक लेटर हेड पे एक एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं वो, तो वो देख लेते हैं इस कंपनी में जॉब कर रहे तो दे देती है सोसाइटी, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है, और एरिया मैंने बता दिया है, बिल्डिंग में क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो बता दिया, पार्किंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कौन से एरिया में आता है ये वो भी मैंने बता दिया है, स्टेशन से कितना दूर है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप दो पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है। एक, कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो कृपा करके प्रॉपर्टी के जो पेपर्स होते हैं एजेंट के कहने से मत सुनिए, ओनर के कहने से मत सुनिए, जिसका घर है उसके कहने से मत सुनिए, आप वो पेपर्स ले जाके लॉयर्स को दिखाइए, वकील। ये जो वकील होते हैं प्रॉपर्टीज को ना, इनको पूरी जानकारी होती है, हर एरिया के वकील होते हैं प्रॉपर्टीज के, उनको सारी नॉलेज होती है कि इस फ्लाइट में क्या क्या पेपर्स लगते हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, रजिस्ट्रेशन लगता है, आपका सर्टिफिकेट लगता है, शेयर सर्टिफिकेट लगता है, अलॉटमेंट लेटर लगता है, और भी बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो वो वकील अच्छे से बता सकते हैं, आपको नॉलेज नहीं होगी, ऑनर नहीं बताता है, कभी ब्रोकर को नहीं पता होता, इसके ब्रोकर आपको नहीं पता है बताता है। ठीक है, तो वो आप उसके पास लेके जाओगे ना वकील के पास, तो वो एक एक चीज़ आपको देख के बताएगा कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खरीद सकते हैं, या इसमें ये पेपर का प्रॉब्लम है आप मत खरीदो। बहुत सारे पंगे होते हैं प्रॉपर्टीज में, तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी ना करते हुए किसी को दिखाइए, 1,500 रुपये का खर्चा है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, 1,00,000 रुपये के नुकसान से तो बचेगा आदमी, 1,000 रुपया गया या 500 रुपये गया तो क्या बात है, दो वकील को दिखाइए, और दोनों अगर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि मतलब फिर हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अगर पहले वकील ने बोल दिया हाँ भी प्रॉब्लम है तो मैं छोड़ दो, अगर पहला वकील बोल रहा है कि हाँ भाई पेपर ये ओके है कोई प्रॉब्लम नहीं आप खरीद सकते हो, तो एक बार फिर दूसरे लॉयर के पास जाओ, कोशिश करो दूसरे लॉयर के पास, अगर वाकई इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरा भी कोई बोलेगा कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आप खरीदो, तो आपको सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि हाँ वाकई इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप खरीद सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पैसा जो है ना भाई साहब बहुत 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 मुश्किल से और बहुत मेहनत से कमाया जाता है, हर वीडियो में ये लाइन बोलता हूँ मैं, याद रखना ये पेपर्स के बारे में और पैसों के बारे में, बहुत मेहनत करता है आदमी यार, 30-35-40 साल लगाता है तब जाके एक 1 BHK या 2 BHK खरीद पाता है, याद रखना, और किसी के बहकावे में मत आओ, मेरे मैं तो समझा रहा हूँ, मैं नहीं आपको कुछ कह रहा हूँ, सिर्फ एक ज्ञान दे रहा हूँ, समझ सको तो समझो, नहीं समझो तो भाई आपकी मर्जी, आपका पैसा वेस्ट करना है कर दो, कोई बात नहीं, वेस्ट होने से अच्छा है मैं तो कहूँगा गरीबों में जाए तो ज़्यादा अच्छा है, जो फ्रॉड ही है उनको काय को नहीं है ना, और आप ही के काम आ जाए आपका पैसा, आपके बच्चों के काम आ जाए ना, ये एक थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूँ, आप कहीं पे भी प्रॉपर्टी खरीदो, किसी के भी थ्रू खरीदो, ये हमेशा याद रखो, पेपर्स अच्छे से चेक कराओ उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी खरीदो, ब्रोकर के बहकावे में मत आओ, ओनर के बहकावे में मत आओ, ये दोनों तो ठीक बोलेंगे ही बोलेंगे, आप लॉयर के पास जाओ वही बताएगा आपको। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, देखो यार मैं एजेंट या ब्रोकर नहीं हूँ, मुझे थोड़ी बहुत जो नॉलेज है मैं बता देता हूँ आपको हर वीडियो में, ताकि कोई बेचारा फंसे ना इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो मैं एजेंट नहीं हूँ, ब्रोकर नहीं हूँ, सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ और डाल देता हूँ ताकि लोगों को एक हेल्प हो सके कि इस एरिया में ऐसी बिल्डिंग है, इस एरिया में बिल्डिंग में कैसे फ्लैट है और बिल्डिंग में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, तो ये चीज़ है। अच्छा, रेट और रेंट के बारे में जैसे आपको बता ही दिया है कि आपको जो भी पता करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप वहाँ कॉल कीजिए, एक एक चीज़ आपको बता देंगे, विजिट करना चाहते हैं तो भी वो आपको बता देंगे कैसे आना है, कहाँ आना है, वो एड्रेस दे देंगे, लोकेशन शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ आ सकते हैं। तो खाली आपको एक फ्लैट नहीं दिखाएंगे, वो आपको 4-5 फ्लैट दिखाएंगे या ज़्यादा दिखाएंगे, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि हाँ ये फ्लैट है, हाँ ये मेरे बजट में, हाँ ये देखने में अच्छा है, हाँ ये अच्छे फ्लोर पे, समझ रहे हो, वो दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो आप कॉल कर लीजिए, विजिट करना चाहते हैं विजिट भी कर सकते हैं, और कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपके काम आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ आया करेंगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाया करेगी, तो आप वो देख सकेंगे। ठीक है, मैं इसी तरीके के अच्छे सस्ते फ्लैट्स के बारे में या प्रॉपर्टीज़ के बारे में वीडियोज़ बनाता हूँ, डालता हूँ, कभी कभी महंगी डाल देता हूँ, कभी कभी थोड़ा सा टेस्ट चेंज के लिए ना, कभी कोई मिल जाता है कि हाँ बिल्डर है जो भी है, तो वहाँ के भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं अपने चैनल पे यही सस्ती और बेहतर प्रॉपर्टीज दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो सब लोग अफोर्ड कर सकें रेंट के लिए, खरीदने के लिए। ठीक है, तो और कुछ भी पूछना है तो आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।